ये जो एक होल्ड है इसको सिक्योर करने के लिए आपको हर स्टेट के बंदे को हराना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। जिस दिन का मेरे को बेसब्री से इंतजार था, मीटअप का दिन देहरादून में, आज के मीटअप के लिए ना सही मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड क्योंकि मैं बहुत टाइम से मेहनत कर रहा था इस मीटअप के लिए जो देहरादून में होने वाला है। और गाइस मैं काफी दिनों से सोया नहीं, मतलब 3-4 दिन से मैं सो भी नहीं रहा अच्छे से, क्योंकि आप सब लोग के लिए यार वीडियो अपलोड भी करनी थी टाइम से और ये वाला मीटअप का अरेंजमेंट भी करना था। और गाइस यहाँ पे बाइक चेक करें, थोड़ा कैमरा पीछे जाके देखिए, तो गाइस बाइक चेक करें, मतलब आज आप सब लोग को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं, बहुत ज्यादा मजे। और एक और बात बताना चाहूंगा आप सब लोगों को कि मीटअप है ना वो देहरादून में होने वाला है, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल मीटअप कराया आज का जो संडे मीटअप है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल होने वाला है, क्योंकि हमारे पास 390 है, Z1000 है, Z10R है, R15 है और चारों बाइक से मारेंगे बोनट। अभी मेरा एक्साइटमेंट लेवल इतना ज्यादा है कि आप सब लोग को बता नहीं सकता, क्योंकि मैंने आज के मीटअप के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करी, थोड़ा मैंने जूस का भी अरेंजमेंट कराया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तवाही मचने वाली बॉयज कुछ ही देर में, मतलब जो भी एक्साइटमेंट लेवल है ना मेरा और बढ़ जा रहा है, पता नहीं क्या ही करूंगा, तवाही मचा दूंगा वहाँ पे। तो 1 मिलियन का केक भी मेरा कुछ देर में आने वाला है, तो गाइस बस निकलने वाले हैं, फटाफट करेंगे चारों बाइक का को स्टार्टअप, फिर फटाफट निकलेंगे लाइन रखते। और गाइस शायद से और भी सुपर बाइक आएगी, Z800 आ सकती है, Z900 भी आ सकती है, हायाबुसा भी आ सकती है, मतलब यू नेम इट, मतलब आप बाइक का नाम बताओ वो बाइक मौजूद होगी, पल्सर, NS, KTM, ड्यूक, बहुत सारी बाइक होगी। और मुझे कुछ नहीं पता एक बंदा आएगा, 10 बंदे आएंगे, 50 आएंगे, 100 आएंगे, 500 आएंगे, 1000 आएंगे, पर जो कोई भी मेरे से आज के दिन मिलने आएगा ना उसको भाई यहीं से एडवांस में थैंक्स फॉर कमिंग। तो फिर बच्चे की जो लेगेसी है, मैंने कहा बच्चे ने जो 1 साल 8 महीने अब कोई उसके टक्कर कभी नहीं, उसको मैं प्रमोट करूँगा, आपके बेटे के टक्कर के आप ही हैं, अब कोई मिलेगा भी नहीं, वैसा तो है मौका नहीं मिल रहा कोई। आप बस परेशान मत होइए, ऊपर वाले हिम्मत देगा, और आप जो काम कर रहे हैं ना उससे ऑब्वियसली खुशी हो रही होगी, कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा मेरे लिए इतना करेंगे। जितनी हिम्मत आपने जुटा ली और जो आप काम कर रहे हैं ना, ये बहुत मुश्किल काम है, बट आपको करना पड़ेगा। हाँ, ऊपर से फॉरवर्ड तो रहने रहने, जब तक सुपर बाइक चलती है ना अपने लाड में, वो पैसा तो बहुत है प्राइवेट ड्राइवर, आप तक आपने एग्जांपल सेट करा, ऐसे 10 और बाप खड़े हो जाएंगे, होने चाहिए जरूरी है। सर के लिए एक बार तालियां हो जाए प्लीज, बहुत बड़ी बात है जो कर रहे हैं, इतनी हिम्मत के बाद में इंसान टूट जाता है, घर में बैठ जाता है, जो ये कर रहे हैं ना रोज दिन में 100 बार इनके थॉट आते हैं, लोग अवॉइड करते हैं सिचुएशन से बाहर आने के लिए, मैं घूमने चला जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो करूं, ये वही चीज फॉलो कर रहे हैं उसी पैशन में। आपको एक चीज जाके दिखाता हूं, छोड़ता ही नहीं था वो, ये उसका दूसरी साइड थी जो पब्लिक को बाद में पता मुझसे उठ नहीं रहा, इतने मेडल है इसका वेट, और कमाने में कितनी मेहनत लगी होगी वो तो अगस्त को पता होगा। ये जो एक होल्ड है इसको सिक्योर करने के लिए आपको हर स्टेट के बंदे को हराना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, कम से कम 60-70 पार्टिसिपेंट होते हैं एक एक मैच में, और ये मिलेगा सामने वाला भी शेर के साथ, शेर ही भिड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, शेर को हरा के शेर खिलाएगा, वन ऑफ द बेस्ट आते हैं चैंपियनशिप, हाँ वो हरा करके तब, तो ये है फर्स्ट मीटअप इन मेमोरी फॉर प्रो राइडर, ये फर्स्ट मीटअप है हमारा प्रो राइडर, देखिए मीटअप का तो कोई वैसा वो नहीं था, लेकिन एक्चुअली क्या था, रेनिंग सीजन बहुत हो रहा है तो बारिश बहुत हो रही है, इसलिए आउटर में हम राइड इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि भूस्खलन वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा रोड बहुत वेट हो जाती है तो फिसलने का भी डर रहता है। मुझे जब दिल्ली से भाई साहब का फ़ोन आया कि हम
पूरा ग्रुप दिल्ली तो राइट ऑफ 1000 की फैमिली से मिलने आ रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक मीटअप को क्रिएट किया जाए कि दिल्ली के लोग और हम लोग सब मिलके। अभी आप देख रहे हैं कि कुछ लोग कम हो गए हैं, लेकिन बारिश की वजह से छोटे बच्चे भी आ रखे थे, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी बारिश की वजह से थोड़ा नहीं आ सके, लेकिन मैं उनको भी थैंक्स बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो सब इस वीडियो का वेट करेंगे कि अंकल मीटअप था हम नहीं आ पाए, क्योंकि मुझे पता है बारिश की वजह से नहीं आ पाए वो, लेकिन आप लोग आए हैं मुझे भी अच्छा लगा। अभी एक हम छोटी सी राइड लेंगे आपके वहाँ तक बारिश में। आप आगे चलना, मैं आपको फॉलो करूंगा। हाँ हाँ चलिए, ये निकल पड़े हम एक छोटी राइड पर अपने डेली ग्रुप ऑल अबाउट बाइक्स के साथ। जो भी इस चैनल को देख रहे हैं आज आप बारिश में, हम आपको इसमें थोड़ा मुझे जोर से बोलना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवाज बहुत कम आती है इस वक्त, तो लीजिए एक बरसात में। ये हमारे फ्रेंड्स हैं, देखिए ऑल अबाउट बाइक्स, पूरा एक ग्रुप आज इकट्ठा हुआ है। आज बारिश हो रही है लेकिन फिर भी हमने कहा सब्सक्राइबर्स के लिए एक छोटी सी राइड हो जाए। जहाँ तक मैं आपको बता दूंगा, दिल्ली के कई लोग आए हैं यहाँ पे सुपर बाइक लेके, 18-20 बाइकर्स आए हैं जो प्रो राइडर 1000 के घर आए थे उससे मिलने। सामने चल रही है JCB जिसने ट्रैफिक को जाम कर रखा है, और हमारे साथ पीछे पीछे ग्रुप आ रहा है हैवी सुपर बाइक्स का, उसमें हायाबुसा, BMW, ZX10R और Z1000 एंड मैनी मोर R1 बेनेली चल रही है। एंड ये एक सेफ राइड है, भले ही मैंने ग्लव्स नहीं पहने हुए हैं क्योंकि ग्लव्स बहुत अच्छी बहुत गीले हो गए मेरे बारिश में, तो मैं फिर सेफली में 30 या 40 की स्पीड पर मैं चल रहा हूँ। उस समय तो आवाज में आपको थोड़ी बहुत कम लग सकती है, तब तक आप एंजॉय द म्यूजिक। पार्टी बदल लिया साला। ये देखो कैसे हो बादशाह, ये सड़न होगा कैसे हो बादशाह। ओके बिल्कुल स्लोप है, बिल्कुल गाड़ी जीरो पे, और ये देखो ये अलीगढ़ से भी आई हैं, अलीगढ़ से मीटअप के लिए आई, इनका ग्रुप भी अलग है।
लेकिन अब कंबाइंड हो गए, फैमिली बन गई। एक बार हमारे जो दूर दूर से भाई लोग आए, एक बार आ जाए कहाँ का। ये देखो ये टॉक्सिक राइडर, ये भी सुपर बाइक चलाती है, भी सबसे दूर से मैं आया हूँ। ये भी अलबाब, ये भी सुपर बाइक होल्डर है, ये भी इसका भी एक मिस्टर प्लेन ब्लैक के नाम से इसका चैनल, ये 0135 राइडर के नाम से, और जो मेरी वीडियो शूट कर रही है R1 राइडर। वो इतने सारे भाई लोग बहुत सारे यूट्यूबर हैं, और एक ये होता है हिमाचल से, हिमाचल से तो है वो क्या? इतनी तेज सुपर बाइक को नंबर 3317। अभी ये ग्रो कर रहा है, ये ग्रो कर रहा है, अभी देखना भी और ग्रो करेगा, अभी छुड़ेंगे। जिस दिन हमारे पास कई 100 बाइकर्स लाइन में जब खड़े रहेंगे तो हम दिखाएंगे इंडिया में कितना बड़ा सुपर बाइक। देखिए अलग सुपर बाइक नहीं, जो भी आप पे बाइक है वो हमारे लिए सुपर बाइक, चाहे वो आपके 100 cc हो, 250 cc हो, 1000 cc हो, मैटर नहीं करता। आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल चलाने के लिए वो चलते। वी आर नॉट डूइंग कंपटीशन विद कि हमारा बड़ा या उनका बड़ा ग्रुप है, नहीं, हमारे साथ जितने जुड़ेंगे हम सबसे बड़े। बस राइडिंग गियर पर, राइडिंग गियर हो, सेफ ड्राइविंग करें, ट्रैफिक रूल फॉलो करें। देखिए सबसे अच्छी बात, ये दिल्ली से आए हैं, इनकी हर गाड़ी सुपर बाइक, लेकिन इन्होंने आने से पहले सारे एग्जॉस्ट निकाल दिए और इन्होंने ओरिजिनल एग्जॉस्ट में यहाँ लाए हैं, जिससे कि इनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ट्रैफिक रूल इन्होंने पूछा कि क्या सिस्टम है, कि ये सिस्टम है, तो इन्होंने अपना सारे एग्जॉस्ट उतारे, बल्कि कई महंगे कई लाखों के एग्जॉस्ट इन्होंने खरीदे थे, लेकिन जब उन्होंने कहा हम एक पीसफुल राइड पे जा रहे हैं तो इन्होंने एग्जॉस्ट घर पे उतार दिए और अपने नॉर्मल एग्जॉस्ट लेके आए, जिससे कि इनको भी अच्छा लग रहा है कि कोई बिहेव नहीं हो रहा रोड पे और पब्लिक भी इन्हें सपोर्ट कर रहा है। सो गाइस एक्चुअली क्या होता है, हर राइड का एक मोटिव होता है। हमारा मोटिव जो था वो रबर्स बर्न करने का नहीं था, एग्जॉस्ट से लाउडनेस फैलाने का नहीं था, हमारा एक पीसफुल राइड करने का था और कुछ नए भाई लोग और सर से मुलाकात करने का था, और वो पेंडिंग थी हो चुकी, और इसी रिलेशन से अब पहुंचने वाले सीधे लद्दाख, और कहां मिलेंगे हम? लद्दाख के टूर पे, वो भी देहरादून से जब शुरू होंगे, सब साथ में होंगे, पूरा धमाल मचाएंगे, तहलका करेंगे, तबाही मचा देंगे। स्टे ट्यून्ड गाइस, बहुत तगड़ा धमाल होने वाला है। थैंक यू, मीट यू अगेन सून, बाय। वाओ।